अंधेरी रात क्या होती है वो भोपाल वासियों से पूछूं। 38 साल पहले की वो भयावह रात जिसने हजारों जिंदगियां लील ली, 3 दिसंबर 1984, ये वो काली रात थी जिसने हजारों जिंदगियों को अपनी आगोश में ले लिया। हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं और दूसरे दिन सुबह आलम ये था कि लाशें ज्यादा थीं और गिनने वाले कम पड़ गए थे। जो गुनहगार थे वो तो देश छोड़कर भाग गए, लेकिन भोपाल वासियों की नसों में वो जहर अब तक दौड़ रहा है। 2-3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात भोपाल पर कहर बनकर टूट पड़ी थी। करीब 3 से 4 बजे के बीच यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र से निकली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस ने हजारों जिंदगियां तबाह कर दी थी। गैस के रिसाव के बाद जो लोग रात में सोए थे वे कभी नहीं जागे, वहीं कुछ लोग जो घर से बाहर थे वे कभी वापस घर नहीं पहुंचे। मासूम बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया ही नहीं देखी थी, उनको इस जहरीली गैस ने अपनी आगोश में ले लिया। हम इस वक्त भोपाल के आरिफ नगर इलाके में हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं अमेरिकी कंपनी की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। ये वही फैक्ट्री है जिससे खतरनाक गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था और इस खतरनाक गैस ने चारों तरफ तबाही मचा दी थी। ये बात है 2-3 दिसंबर के दरमियानी रात 1984, जहाँ पर यूनियन कार्बाइड से गैस निकली थी, किसी को पता नहीं था। तो सबसे पहले यदि मैं हिस्ट्री दूं तो 11:30 बजे कुछ मरीज आंखों में जलन, सांस में तकलीफ बोल के हमदिया अस्पताल के इमरजेंसी में गए। जिस रात गैस कांड हुआ था उस रात पूरा मिनी प्रलय जैसा एक कयामत होती है वो वाला मंजर था। लोग जान छोड़ के भाग रहे थे, पूरा धुंध हो रहा था, लोगों की आंखों में जलन हो रही थी। आज भी हम लोगों की ये हालत है 25 साल बाद भी, कि हर तरह से पीड़ित। उस जहरीली गैस का असर आज भी देखने को मिलता है। भोपाल की तीसरी नस्ल तक जहरीली हो चुकी है। बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं, दिमाग है पर सोच नहीं पा रहे, आंखें हैं पर रोशनी गायब है, जुबान है पर बोल नहीं पा रहे, सांसें हैं पर बिना खांसे ले नहीं पा रहे। आज भी गैस पीड़ितों के चेहरे पर खौफ और उदासी साफ तौर पर नजर आती है। मैं इस वक्त यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के पीछे बनी उसी बस्ती में हूँ। इस बस्ती की मिट्टी और इस बस्ती का पानी आज तक भी दूषित है। यहाँ की हवा में वो गैस आज तक मिली हुई है, आज तक यहाँ के लोग उस चीज को झेल रहे हैं। मम्मी का मंजर इतना खराब था कि मैं अपनी मतलब खुद लफ्जों से बयान कर नहीं सकती हूँ, जिसका मेरा पति आज दिन तक भुगत रहे हैं। जिनके इतने हाथ ऐसे सड़े हुए हैं कि ना वो कमा पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना ठीक से रह पाते। ट्रीटमेंट अभी तक चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि इतना बुरा हाल था, तो उस समय मेरी लड़की 6 महीने की थी, वो तक मेरे हाथों से छूटकर गिर गई थी। सही ऐसी है, डॉक्टर के पास ले गए, उन्हें बोला इसकी कोई वो नहीं है, इलाज जाओ घर, जितनी वो कर सको सेवा समार करो। उस रात लोगों का अस्पताल पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। शुरू में ये संख्या इक्का दुक्का थी, लेकिन थोड़ी ही देर में ये बढ़कर दर्जनों, फिर सैकड़ों, फिर हजारों में हो गई। तब कहीं जाकर सरकारी अमले को गैस त्रासदी की भीषणता का एहसास हुआ। हालात नियंत्रित करने के लिए डॉक्टरों को इमरजेंसी कॉल पर बुलाया गया। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि डिटेल पोस्टमार्टम न करके एक छोटा सा पोस्टमार्टम रिपोर्ट फॉर्म बनाए जिसमें कि सभी चीज आ जाए जो मुख्य बिंदु है, नंबर एक। नंबर दो, हमने जो इंटर्न और जो फाइनल ईयर फोर्थ ईयर के लड़के थे हमने उनको बोला कि भेजे अब एक काम करो, बॉडी को डिवाइड कर लो 1 से 10, 11 से 20 तक, 21 तक, और जो भी तुमको समझ में आ रहा है वो कागज में लिखना चालू करो। भविष्य के खतरे से अनजान लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह उनका अपनों से साथ छूट जाएगा। इस जहरीली हवा से जो बच गए वो आज भी उसका दंश झेल रहे हैं। तबाही ऐसी जिसे 38 साल बाद भी याद करके लोगों की रूह कांप जाती है। कैजुअलिटी हैज टेकन प्लेस बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारी कल्पना से भी अधिक पहुंच गई। तो मैं इमीडिएटली तो ताजुल मस्जिद से लेकर हमीदिया के रोड इमरजेंसी तक आदमी भरे हुए थे। कोई मरा था, कोई अंतिम सांस ले रहा था, कोई उल्टी कर रहा था, चीख पुकार सब बची थी। यहाँ पर गैस से अफेक्टेड जो भी बच्चे होते हैं वो सारे आते हैं। उन लोगों में स्पीच थेरेपी से रिलेटेड खाने चबाने निगलने
और सोलिंग से समस्याएं जो होती हैं उसको हम यहाँ पर डील करते हैं। मेरे यहाँ बच्चे जो आते हैं क्लास में आते हैं और 3 साल के बच्चे होते हैं, जब हम लोगों को क्लास में देते हैं, हम लोगों को लेने क्राइटेरिया है कि हम लोग पहले असेसमेंट करते हैं, हमसे उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं, बच्चे को जो नीड होती है पढ़ने में वो हम उसको लेकर काम करते हैं। सरकारी आंकड़े की माने तो इस कांड में 15,000 मौतें हुई हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इसमें हजारों जिंदगियां काल के गाल में समा गई। जो जिंदा रहे वो कई बीमारियों से पीड़ित हो गए। आने वाली पीढ़ियां आज भी त्रासदी का खामियाजा भुगत रही हैं। गैस त्रासदी में पीड़ितों को मुआवजा जरूर मिला, लेकिन मुआवजे को लेकर समाज सेवियों ने सवाल खड़े किए। थाइल आइसोसाइनेट जो गैस निकली थी उसके हिसाब से यूनियन कार्बाइड के खुद के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि एक बार अगर किसी को MIC लग जाए तो उसे जिंदगी भर तकलीफ रहेगी, चाहे उन्हें तुरंत इलाज मिल भी जाए। और भोपाल के केस में तो ना तुरंत इलाज तब मिला और ना आज मिल रहा है, क्योंकि आज भी जो इलाज मिल रहा है वो सिर्फ लाक्षणिक इलाज है। के अंदर 93% से ज़्यादा गैस पीड़ितों को कैटेगराइज किया गया और मात्र 25,000 रुपये मुआवजा दिया गया है उसके लिए, और ये दूसरा कि इसकी जिंदगी भर तकलीफ जारी रहेगी, और तीसरा जिसके बारे में अध्ययन किए गए हैं कि गैस पीड़ितों के बच्चों और उनके आने वाली पीढ़ी के ऊपर भी इसका असर रहेगा। हर वो इंसान जिसने अपनी आंखों से उस मंजर को देखा था वो आज भी रो देता है। 3 दिसंबर 1984 को हुए उस हादसे से भोपाल के लोग आज भी नहीं उभर पाए हैं। ये वो यादें थी जो कभी धूमिल नहीं होंगी। 3 दिसंबर मतलब बिछड़ों को याद करने का दिन और गुनहगारों को कोसने का दिन बन चुका है। आपको बताते चले कि जो मुख्य आरोपी था वॉरेन एंडरसन, उसे हमारे ही देश की तत्कालीन सरकार ने सुरक्षित उसके देश तक पहुंचा दिया। हमारी दुआएं हैं कि गैस पीड़ितों की आने वाली पीढ़ियों को इस जहर को ना झेलना पड़े। कैमरामैन अफसल के साथ मैं हूं ऋषिका, देखते रहिए दखल न्यूज। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।